बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कैदी नंबर 804 अड्याला जेल रावलपिंडी। बांग्लादेश में कल पहली बार कैद आजम की बरसी को मनाया गया है। जी हां, बांग्लादेश की तारीख में पहली बार कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी को अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया है और अच्छे अल्फाज में याद किया गया है। और ये भी कहा गया है कि 1947 में अगर कैद आजम ना होते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी भी आजाद ना होता। जी हाँ, कल बांग्लादेश में कैद आजम की बरसी को अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल के लिए तस्दीक करने जा रही है। जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान आज कौमी असम्बली में आइनी तरमीम पेश करने जा रही है, जिसके बाद काजी फायजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तस्दीक कर दी जाएगी। पूरे पाकिस्तान में जितने भी जजेज हैं सबकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल के लिए तस्दीक की जा रही है। हुकूमत का दावा है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत पूरी हो चुकी है, उनके नंबर पूरे हो चुके हैं। हालांकि 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हमायत दरकार होती है, मगर हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त 214 अरकान की हमायत हासिल है। मौलाना फजल रहमान ने हमायत करने से इनकार कर दिया है, अख्तर मेंगल ने हमायत करने से इनकार कर दिया है। मतलब पीछे सिर्फ तरीके इंसाफ की जमात रह जाती है। अगर उसके 10 अरकान को तोड़ लिया जाए, उनकी हमायत हासिल कर ली जाए या उन्हें खरीद लिया जाए, हुकूमत पाकिस्तान के पास 2/3 अक्सरियत पूरी हो सकती है और इसके बाद वो काजी फायजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल के लिए तौसी कर सकते हैं, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है। मगर हुकूमत पाकिस्तान का दावा है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत पूरी हो चुकी है। हालांकि काजी फायजी साहब ने कहा है कि उन्हें उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक दिन के लिए भी तौसी नहीं चाहिए, वो अक्टूबर के महीने में रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाल लेंगे। हुकूमत पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद तरीके इंसाफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ रबते तेज़ कर दिए गए हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ रबता किया गया और उन्हें एतमाद में ले लिया गया है। तरीके इंसाफ ने कहा है कि वो किसी सूरत भी काजी फायजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तुसी नहीं होने देंगे। ये थी करंट सिचुएशन पाकिस्तान की और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख सकें।